सो हेलो गाइस, तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ब्रैंडन को, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाला एक बैचलर होता है। ब्रैंडन अकेला रहता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा सेक्स एडिक्टिव होता है। ब्रैंडन को कुछ दिनों से उसके सिस्टर के कॉल आ रहे होते हैं, पर वो उसके कॉल पिक नहीं करता और ना ही कॉल बैक करता है, मतलब वो उसको इग्नोर कर रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है, ब्रैंडन अपने ऑफिस जा रहा होता है ट्रेन में, और उसी ट्रेन में एक औरत होती है जो उसे देखने लगती है। पर लेकिन जब ब्रैंडन उस औरत को देखता है तो औरत अनकम्फर्टेबल फील करने लगती है, औरत की हालत ख़राब होने लगती है। और जैसे ही वो औरत ट्रेन से उतरती है, ब्रैंडन भी उसके पीछे पीछे ट्रेन से उतर जाता है। लेकिन बाहर भीड़ होने की वजह से वो औरत कहीं खो जाती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ब्रैंडन किसी भी औरत को किस नज़रिए से देखता है, यानी कि ब्रैंडन की नज़र इतनी ख़राब होती है कि कोई भी लड़की उसे देखकर अनकम्फर्टेबल फील हो जाती है। पर इससे ब्रैंडन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाली औरत मैरिड है या नहीं है। ब्रैंडन एक कंपनी में काम करता है और उस कंपनी के लैपटॉप में भी उसने अपने लिए पोर्न वीडियो छुपा रखा होता है, तो पोर्न वीडियो वो देखता रहता था। तो एक दिन क्या होता है, वो कंपनी में जाता है और उसका लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो भी है उसमें बहुत ज़्यादा वायरस होता है, तो कंपनी वाले उस लैपटॉप को फॉरवर्ड करने के लिए ले जाते हैं। पर ये बात ब्रैंडन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और फिर ब्रैंडन घर आता है और खाने खाते समय भी फोन वीडियो चालू कर देता है, और तभी उसके सिस्टर का कॉल आता है फिर से, पर ब्रैंडन उसके सिस्टर को भी इग्नोर कर देता है। और अगले दिन ब्रैंडन के ऑफिस में एक अच्छी मीटिंग होती है और किसी चीज़ से एक्साइटेड थे तो पार्टी करने के लिए वो किसी होटल में जाते हैं। यहाँ हमें ब्रैंडन के एक फ्रेंड डेविड को दिखाया जाता है, डेविड जो ब्रैंडन के ऑफिस में उसका बॉस होता है, इसीलिए ब्रैंडन उसकी हाँ में हाँ भरता रहता है। और फिर डेविड को उसी क्लब में एक लड़की पसंद आ जाती है और वो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है, पर उसके आगे वो कुछ भी नहीं कर पाता। और पार्टी के बाद जब ब्रैंडन घर जाने लगता है तो वही लड़की उस लड़के ब्रैंडन को मतलब लिफ्ट देती है, और उसके बाद वो उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है। और जब ब्रैंडन घर आता है तो उसको अपने घर से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही रहती है। पहले तो ब्रैंडन को लगता है कि कोई घर में चोर घुसा आया है, पर जो घर आकर देखता है तो उससे दिखाई देता है कि उसकी सिस्टर लीसी आई हुई है। वो भूल गया था सिस्टर लीसी के पास उसकी घर की चाबियाँ भी है। सीसी एक सिंगर थी बाय प्रोफेशन, उसके कुछ शो न्यूयॉर्क में थे, इसलिए वो ब्रैंडन को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे कुछ दिन रहने दो। पहले तो वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ रहने वाली थी, पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया तो वो अकेले ही आ गई, और ये बात ब्रैंडन भी जानता है और इसलिए वो उसको रहने के लिए परमिशन दे देता है। और अब सीसी के रहने की वजह से ब्रैंडन का फ्रीडम जाने वाला था, क्योंकि जो वो अकेले रहकर कर पाता था अब वो नहीं कर पाता। और ब्रैंडन के घर में एक ही बेडरूम होता है, तो सीसी को सोफे से ही काम चलाना पड़ता है, सीसी सोफे फेस होती थी। और जब ब्रैंडन ऑफिस जा रहा होता है तो सीसी उसे उसके शो पे इनवाइट करती है। तो ऑफिस के बाद ब्रैंडन अपने बॉस डेविड को लेकर सीसी के शो पे चले जाता है, और वहाँ पर वो सीसी का सॉन्ग सुनकर थोड़ा इमोशनल टाइप का हो जाता है। और उसके बाद सीसी ब्रैंडन के बॉस डेविड से मिलती है, और हमेशा की तरह वो सीसी के साथ भी फ्लर्टिंग करने लगता है। और फिर डेविड उसका बॉस उसे ब्रैंडन के रूम में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और जब ब्रैंडन ये सब देख रहा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा आ रहा रहता है, क्योंकि उसका बॉस उसकी सिस्टर के साथ उसी के कमरे में मज़े कर रहा होता है, पर वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। और अगले दिन ब्रैंडन ऑफिस जाता है और देखता है कि उसका पहले वाला कंप्यूटर वापस आ गया है, और तभी डेविड उससे बात करने के लिए अपने पास बुला लेता है। और डेविड को उसके फोन वीडियो के बारे में भी पता चल चुका था, क्योंकि उसकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क सिर्फ फोन वीडियो से भरी हुई थी, और इसलिए वो उसे बहुत सारी बातें भी सुनाने लगता है। और फिर उसी रात ब्रैंडन अपने कोवर्कर मैरिन के साथ डेट पे जाता है। मैरिन एक मैरिड औरत थी जिसके साथ वो डेट पे आया था। इन दोनों के ख्याल वैसे काफ़ी अलग होते हैं, पर फिर भी इनकी डेट काफ़ी अच्छी जाती है। और फिर घर आकर ब्रैंडन अपने बाथरूम में जाकर मास्टरबेट कर रहा होता है, और तभी सीसी गलती से बाथरूम में आ जाती है, और सीसी ब्रैंडन को मास्टरबेट करते हुए देख लेती है। और उसके बाद ब्रैंडन काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको उसी के घर में प्राइवेसी नहीं मिल रही थी, और इसीलिए वो सीसी पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। और उसके बाद सीसी ब्रैंडन के ओपन लैपटॉप पर पोर्न वेबसाइट भी खुली हुई देखती है, और उसी समय ब्रैंडन आके लैपटॉप को बंद कर देता है।
जिससे उसकी सिस्टर को भी पता चल जाता है कि ब्रैंडन सेक्स एडिक्टेड है। तो वो डिस्टर्ब होकर बाहर चली जाती है और फिर ब्रैंडन शर्म के मारे अपनी सारी मैगजीन लैपटॉप को बाहर फेंक देते हैं। और फिर ब्रैंडन अगले दिन ऑफिस आता है और देखता है कि मैरियन अकेली है, तो उसको पकड़ के किस करने लगता है। फिर मैरियन को लेकर एक होटल रूम में जाता है। यहाँ पे ब्रैंडन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है पर लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता। ये देखकर मैरियन वहाँ से चले जाती है। उसके बाद ब्रैंडन उसी रूम में एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है, प्रोस्टिट्यूट मतलब सेक्स वर्कर, उसको वहाँ पे बुलाता है और उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद जब ब्रैंडन घर आता है तो सीसी डेविड को कॉल कर रही होती है। तो ये देखकर ब्रैंडन सीसी को डेविड से दूर रहने के लिए बोलता है क्योंकि डेविड उसका बॉस था। और ब्रैंडन को सीसी गैर जिम्मेदार और बोर लड़ने लगती है, इसलिए वो सीसी को कहता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। सीसी को उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। उसके बाद ब्रैंडन एक क्लब में जाता है और एक लड़की के साथ बहुत ज़्यादा बुरी बातें करने लगता है और उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी वहीं होता है। और उसके बाद वो ब्रैंडन की बहुत ज़्यादा धुलाई करता है। उसके बाद ब्रैंडन एक प्रोस्टिट्यूट के घर जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट होता है। और फिर वहाँ से ब्रैंडन ट्रेन से घर आ जाता है और उसे ट्रेन से बीच में उतरना पड़ता है क्योंकि ट्रैक पर किसी ने सुसाइड करा हुआ था। और जब ये सुसाइड वाली बात ब्रैंडन को पता चलती है तो उसे सीसी की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है और वो सीसी को बहुत ज़्यादा कॉल मिलाता है पर सीसी कॉल उठाती नहीं है। और ब्रैंडन का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होने लगता है, वो घर की तरफ भागने लगता है। और जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि सीसी सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी पर अभी भी उसकी हार्ट बीट चल रही होती है। और फिर ब्रैंडन सीसी को हॉस्पिटलाइज करता है और उसके बाद वो हाउस में आ जाती है। उसके बाद ब्रैंडन कहीं अकेले में जाकर रोने लग जाता है क्योंकि उसकी बुरी आदतों और गलतियों की वजह से सीसी मरते मरते बची है। और फिर वही दिखाया जाता है कि ट्रेन से ब्रैंडन ऑफिस जा रहा है और फिर से उसे एक औरत देख रही होती है लेकिन ब्रैंडन उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। मतलब ब्रैंडन अब सुधर चुका है और यही मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो गाइस मूवी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। और गाइस आप किस नज़रिए से देखते हो लड़कियों को औरतों को ये भी बताना। सो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।